वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ दंगल में एक कदम और आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक में संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है, हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्र बता रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर राज्यों ने सहमति दे दी है, इसलिए इसे लेकर केंद्र के सामने कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इंतजार बस ऐलान होने का है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बता भी दिया कि पीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला किया है। आज भारत की स्थिति कई विकसित देशों से अच्छी है क्योंकि हमने जल्दी लॉकडाउन किया। अब अगर इसे बंद किया जाता है तो जो बढ़त है वो खत्म हो जाएगी, मजबूती के लिए इसे बढ़ाया जाए। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कही है। लॉकडाउन पर रजामंदी है तो पीएम मोदी ने राज्यों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दे दिया है। मुख्यमंत्री ने आज मोदी से जब बात की मुख्यमंत्रियों ने, तो उन्होंने नया संदेश दिया, जान भी और जहान भी। इसके पहले जब 3 हफ्ते पुरानी बात थी तब पीएम ने कहा था जान है तो जहान है। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में क्या क्या हुआ और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस समय देश कहां पर खड़ा है, उसके बाद आपको बताएंगे आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान है। क्योंकि संक्रमण से बचाव जरूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन है, क्योंकि लॉकडाउन जरूरी है, ये उन बातों का मजमून है जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने आई। फोन करके भी बात कर लेता हूँ, लेकिन जो आप बताएंगे और जो नहीं बताएंगे वो भी अपने सुझाव लिखित में भेजेंगे तो हम लोगों को आगे के निर्णय प्रक्रिया में सुविधा रहेगी। और कोई बहुत महत्वपूर्ण बात लगे तो मैं फोन पर भी अवेलेबल हूँ और 24/7 मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। और मैं इस बात के लिए भी आपको आश्वस्त करूंगा कि आपके हर सुझाव और आपकी हर बात पर गौर किया जाएगा। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कई राज्य तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने राज्यों ने अपनी कुछ बातें भी रखी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि और इंडस्ट्री के लिए रियायतें चाहते हैं और अस्पताल की बेहतरी के लिए 500 करोड़ की मांग कर रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मानना है कि राज्यों की जीडीपी में गिरावट आई है, उन्हें फंड मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रबी फसल को लेकर किसानों की मदद चाहते हैं। हर एक राज्य ऐसी रणनीति अपनाना चाहता है कि कोरोना की मार कम से कम पड़े। As per your guidance, sir, we've been enforcing lockdown across the state with human touch and conducting regular surveillance of every member of 1.4 crore households to trace infected persons, their contacts, testing them and treating the positive cases. विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने लॉकडाउन लगाने का फैसला सही समय पर किया, हालांकि भारत में भी तेजी से केस बढ़ रहे हैं। 11 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 7,447 केस हो चुके हैं। गौरतलब है कि रिकॉर्ड एक दिन में पहली बार भारत में 1,000 नए केस आए हैं। कोरोना की रफ्तार पूरी दुनिया में इतनी है कि 17,10,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। दिल्ली से मांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि हमारे साथ आज दंगल में कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं किरीट सोमैया, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के नेता हैं। हमारे साथ हैं राघव चड्ढा, वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं दिल्ली से। हमारे साथ हैं मनोजीत मंडल, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, बंगाल से आते हैं, कोलकाता से जुड़ेंगे। हमारे साथ कृपाल तुमाने हैं, वो सांसद हैं शिवसेना के। और हमारे साथ अरविंद वाजपेयी हैं, वो प्रवक्ता हैं एलजेपी के, नोएडा से। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे बातचीत शुरू करें उसके पहले फटाफट हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं और जानकारी लेकर। हिमांशु, अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ कर ही दिया ट्विटर पर लिखकर कि 2 हफ्ते के लिए पीएम ने सहमति दे दी है लॉकडाउन बढ़ाने की। सरकार की तरफ से इंतजार किस बात का ऐलान में?
देखिए बिल्कुल सरकार की तरफ से जो इंतजार है वो जो मुख्यमंत्रियों की बात अपने अपने राज्यों के लिए उन्होंने कहा है, जो उनकी मांगे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन उन्होंने बताई है उसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय जो है सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है और उनसे संबंधित बातों को जान रहा है और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रॉपर तैयार की जाएगी कि सरकार प्रधानमंत्री को, क्योंकि अगर लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ानी है तो उसमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे किसानों की को लेकर उनको बात रखनी है क्योंकि ये समय जो है फसल काटने का, ऐसे में किसानों को क्या राहत दी जा सकती है, उनको क्या पैकेज दिया जा सकता है, दूसरी तरफ उद्योगों को लिए क्या पैकेज की घोषणा की जा सकती है क्योंकि छोटे जो उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या नई चीज लाई जाएगी, क्योंकि राज्य सरकारों ने तो अपनी बात को रख दिया है रोहित, अब सरकार को तय करना है आगे कैसे कदम बढ़ाना है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं अगले एक दो दिन के अंदर तो सरकार पूरा खाका तैयार करके लाएगी, क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ाना है और उसमें सभी की समस्याओं का समाधान भी कर रहा है, तो ये सारे समाधान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो बताए जाएंगे अब जब भी वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे कल या परसों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु फिलहाल जानकारी देने के लिए। अभी सरकार ने ऐलान नहीं किया इसलिए क्योंकि कुछ चीजों को तय किया जाना बाकी है, वो रूपरेखा तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री देश के सामने आएंगे और हो सकता है लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान उसके बाद किया जाए। हम इसके पहले अपने मेहमानों के पास चर्चा के लिए चले, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। सूरत में कल क्या हुआ? सूरत में यह हुआ कि बहुत से कामगार, बहुत से मजदूर जो कि लॉकडाउन के दौरान कुछ कुछ चीजों को लेकर परेशान थे, वो कल रात अचानक सड़कों पर उतर आए और उसके बाद वहां पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। सूरत में आप जानते हैं बड़ी तादाद में कामगार होते हैं, हीरा इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री सूरत में बड़ी है, वहां पर हजारों की तादाद में मजदूर, उनका कहना यह कि या तो उनके वेतनमान की व्यवस्था की जाए, उनके लिए सारी चीजें दुरुस्त की जाए, उसके बाद ही वो घर बैठने की स्थिति में हो सकते हैं और साथ ही उनके घर जाने का इंतजाम भी ये मजदूर करने के लिए सरकार से कह रहे हैं। इस सारी परिस्थिति में राघव चड्ढा, आपको लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था? पीएम ने अगर जानकारी दे दी थी मुख्यमंत्रियों को तो वो ट्वीट बाद में भी कर सकते थे, प्रधानमंत्री का एड्रेस आज नहीं तो कल हो ही जाएगा जिसमें वो ऐलान कर देंगे कि लॉकडाउन आगे बढ़ा रहे हैं। आपका मुझसे सवाल है रोहित जी? रोहित जी? जी राघव, आपसे सवाल है। एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। राघव प्लीज, थोड़ा सा कनेक्शन में ऑडियो में प्रॉब्लम थी, एक बार प्लीज दोहरा दीजिए। मेरा सवाल राघव जी, मेरा सवाल राघव ये है कि जल्दी क्या थी, अरविंद जी ने मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत जनता को बता दिया कि लॉकडाउन बढ़ाने के लिए पीएम ने हामी भर दी है। आपने देखा सूरत में क्या हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा रुका जा सकता था इस बात में अभी जब केंद्र ने ऐलान नहीं किया है? तो दो चीजें हैं, पहली चीज तो यह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समस्त मुख्यमंत्रियों के साथ एक बहुत लंबी और सकारात्मक बैठक करी। उस बैठक में 11 मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए अपने राज्यों की और अपने राज्यों की मांग को बड़े स्पष्ट तौर पर रखा। 11 मुख्यमंत्रियों में से 10 मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि कम से कम लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाकर यानी कि 30 अप्रैल तक बढ़ाना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के सुझाव पर सहमति भी बनाई और उन्होंने उस कार्यक्रम में ये कहा कि हाँ बिल्कुल बढ़ाना चाहिए और अगर हालात नहीं सुधरे और अगर हम पूरी तरीके से COVID-19 के प्रकोप पर काबू नहीं पा पाए तो हो सकता है आगे भी इस प्रकार का फैसला लेना पड़े। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से सभी मुख्यमंत्रियों को एक प्रकार से ऐलान किया, अपनी बात बताई, एक विषय। दूसरा विषय जो आप इसको सूरत से जोड़कर देख रहे हैं उस विषय में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो तस्वीरें आप सूरत की दिखा रहे हैं ये तो आज की हैं ही नहीं, ये तो कल की हैं। कल शाम को सूरत में इस प्रकार का एक सीन देखा गया और ये मोटे मोटे तौर पर केवल इसलिए था, जो दिल्ली के समय भी मैं आपके चैनल पर आपको यही बता रहा था रोहित जी कि आज दिहाड़ी मजदूरों को, गरीब प्रवासियों को ये लग रहा है कि आने वाले समय में COVID-19 का ऐसा भारी प्रकोप होगा कि उनकी आजीविका सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी, इसीलिए वे अपने गांव लौटना चाहते हैं। उनको रोजमर्रा के जीवन में जो खान पान रहन सहन की परेशानी आ रही थी वो तो राज्यों की सरकारों ने दूर कर दी, हमारी सरकार ने भी दूर कर दी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म परेशानी उन्हें लग रहा है कई महीने अब उनको यहाँ पर नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, आजीविका नहीं मिलेगी, जिसके चलते वो अपने गांव
लौटना चाहते हैं और अपने गांव में बसना चाहते हैं। वही दिल्ली में भी हुआ था। तो मुझे लगता है हर राज्य सरकार का ये दायित्व है कि अपने वहां पर जो भी मजदूर है, गरीब प्रवासी है, उनको कहें कि वही राज्यों में रहें, उनके नौकरी की व्यवस्था करी जाएगी, आमदनी की व्यवस्था करी जाएगी, जैसे हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज उस वीडियो कॉल पे एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दी रोहित जी, उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर अपना मन भी दिया और अपनी सरकार का मत भी दिया कि यदि ये लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होता है तो 2 से 3 हफ्तों की जो हमारी तपस्या है उस तपस्या का सारा फल व्यर्थ जाएगा। जो भी लाभ, जो भी हमने बेनिफिट्स अक्रू करे हैं पिछले 3 हफ्तों में, वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बेहद अहम नारा दिया है, आज तक हम कह रहे थे जान है तो जहान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया जान भी और जहान भी, यानी कि दोनों की आवश्यकता है, दोनों को बचाने की जरूरत है। और उसी के लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को यह कहा कि लॉकडाउन की एक्सटेंशन होगा और होना चाहिए भी। राघव, राघव बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं कि जान का भी और जहान का भी सरकारों को इंतजाम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं आप दिल्ली में कर रहे हैं, हालांकि दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं, कंपनियां उनको निकाल रही हैं, 15 दिन के वेतन देके उनको कह दिया जा रहा है कि आपको आगे काम पर आने की जरूरत नहीं है। उस मसले पर हम आगे आते हैं, जरा बाकी लोगों से एक एक कमेंट ले लें, उसके बाद आपसे विस्तार से इस पर भी बात करते हैं। किरीट सोमैया, प्रधानमंत्री ने नारा दिया आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में, राजनीतिक तौर पर आपके मतभेद जग जाहिर है, कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन आज वो भी उस नारे के लिए आपके साथ खड़े हुए, जान भी और जहान भी। तो इसमें जवाबदेही केंद्र की हो जाती है कि जान के लिए और जहान के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। सामने किसानों को फसल काटने का दिन खड़ा है, बैसाखी के दिन से हरियाणा पंजाब में फसल कटनी शुरू हो जाती है, किसान घबराया हुआ है कि हम फसल काटेंगे कैसे, मजदूर नहीं है, फसल मंडी में कैसे ले जाएंगे, लॉकडाउन चल रहा है इस समय, उन सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था देनी पड़ेगी सरकार को। किरीट, किरीट सुमाया मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद किरीट सुमाया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस उनका कनेक्शन दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अभय दुबे, आप लोग बहुत खुश नहीं है सरकार के कामकाज से? एक सबसे बड़ा प्रश्न देश के सामने यह है कि लॉकडाउन बढ़ाने पर जब भी हम अपने मंसूबों में कामयाब होंगे, जब हम टेस्टिंग का रेट बढ़ाएंगे। अभी हिंदुस्तान में टेस्टिंग का रेट आज 129 मिलियन पर आया है, जबकि नॉर्वे का 21,000 है और चिली जैसे छोटे देश का 4,000 है। हमको दृढ़ता से इस बात पर जोर देना होगा, सारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार उसमें मदद करे कि अधिक से अधिक हम टेस्टिंग करें। और वो कैसे, अभी ICMR ने गाइडलाइन जारी की है 4 अप्रैल को, मगर अभी तक राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने बहुत दृढ़ता से उस पर कदम आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराइए, RT-PCR टेस्ट तो अपनी जगह है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट क्या करता है, COVID-19 को पहले DNA में कन्वर्ट करता है, उसमें 12 से 24 घंटे का समय लगता है। ये टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इतना सिंपल है कि उंगली पर से एक टिप खून का निकालकर 30 मिनट में वो रिजल्ट दे देता है। तो सबसे पहले वो कराने की आवश्यकता है। एक जानकारी और मैं दे दूं कि 25 मार्च से फसल की कटाई रबी की स्टार्ट होती है और लगभग 341 लाख टन तो अकेला गेहूं ही आना है, 291 मिलियन टन का प्रोडक्शन टोटल हिंदुस्तान का है। बड़ी समस्या है कि अगर फल पक के खेतों में गिर गया तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमारे यहाँ किसानों ने फसल काट कर जैसे तैसे चौराहों पर, चौक पर बाहर रखना प्रारंभ किया, वो प्रिक्योरमेंट स्टार्ट होना चाहिए। एक बड़ा खुलासा और करता हूँ, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने शिपिंग मिनिस्ट्री को अब भी लिखा है हाल ही में, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने मुझे बताया, वो पत्र भी दिया कि सिर्फ उनके पास स्टॉक में खरीफ की फसल के लिए 9 लाख टन फर्टिलाइजर बचा है। वहां पोर्ट पर से वो लेकर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं। 225 लाख टन हमको फर्टिलाइजर लगेगा खरीफ की फसल के लिए, जो अप्रैल के माह से सप्लाई होता है, जून के फर्स्ट वीक से बोनी स्टार्ट होती है। तो ये एक सप्लाई चेन टूट गई है, इस सप्लाई चेन को अगर आप बरकरार नहीं रखोगे तो कब तक सर्वाइव कर पाओगे इन परिस्थितियों में। तो मॉडलिटीज लॉकडाउन की नए सिरे से प्रधानमंत्री जी को निर्धारित करनी चाहिए, राज्यों के साथ कंसल्टेशन के साथ।
सिर्फ आपने लॉकडाउन बढ़ा देने से अकेले से काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। तो अभय जी आज क्या किया प्रधानमंत्री ने, जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चाय पीने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, मीटिंग ही कर रहे थे। और यही सब जो आप यहाँ बता रहे हैं, सुरजेवाला जी ने वो चिट्ठी अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजी होगी जो आपको दी है कि जाइएगा पीएम के सामने रखिएगा इस बात को, या नहीं दी उनको, केवल आपको दी है? नहीं सुनिए सुनिए, आज जो मुख्यमंत्रियों ने बात की है, हुआ यह है कि जो सेंट्रल रेवेन्यू शेयर है पिछले बार ही वो राज्यों को कम मिला है क्योंकि जीएसटी के कलेक्शंस कम हुए थे रोहित जी। अब राज्यों के पास आर्थिक हालात वैसे नहीं है। एक सुझाव चिदंबरम जी ने दिया था कि टोटल देश में राज्य और केंद्र सरकार मिलाकर 70 से 75 लाख करोड़ रुपए का बजट है, आप 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दीजिए, हम इस समस्या से समाधान पा लेंगे। जैसे मनरेगा का मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको देकर समाप्त करता हूँ। मनरेगा के एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आप काम नहीं दे पा रहे हो तो अनिवार्य रूप से भत्ता देना पड़ेगा। तो 11 करोड़ मजदूर हैं हिंदुस्तान में, कम से कम इस दौरान का भत्ता उनके अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। छोटे छोटे ये कदम उठाना प्रारंभ करेंगे, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम हर हाल में कामयाब होंगे। मगर अभय जी मैंने सवाल ये पूछा, क्या ये सारे सुझाव आपने अपनी सरकारों वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं दिए थे कि जाना जब पीएम के साथ मीटिंग होगी उसमें ये रख देना, या ये टीवी के लिए रिजर्व रखते हैं आप कि मैं टीवी पर आऊंगा तब बोलूंगा, पीएम को नहीं बताऊंगा अगर मीटिंग में जाऊंगा तो? आप जानते हैं ये सुझाव सब लोगों ने दिए। नारायण स्वामी जी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आप अगर एडिक्वेट फंड नहीं दे सकते तो एफआरबीएम एक्ट में जो फिस्कल डेफिसिट का लिमिट है 3% की, उसको कम से कम 5% कर दीजिए ताकि राज्य सरकार भी अपनी बोरिंग्स कर ले, और कम से कम 6 महीने का समय दीजिए, जो केंद्र सरकार से लोन लिया हुआ है राज्य सरकारों ने उसका इंटरेस्ट पेमेंट वो 6 महीने के लिए आगे बढ़ाएं। तो ये सब सुझाव अजय आलोक और कृपाल तुमाने हमारे साथ आ गए हैं दोनों, उसके पहले मैं फटाफट राघव चड्ढा एक सवाल आपसे ले रहा हूँ। क्या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, जैसे दिल्ली में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है, उन जगहों से जो सलाह आ रही है या वहां के मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं, सरकार मानने से इनकार कर रही है क्या? पीएम उनसे ये कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं चुपचाप मान लो, अपनी सलाह देने की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? जी ऑडियो मैं भी आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, वापस आते हैं राघव चड्ढा इसको दुरुस्त करके। अपने दर्शकों को बता दें एक चीज कि आज की परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, आज की परिस्थिति में जबकि हम खुद लोगों से कह रहे हैं कि अपने घरों में रहें, हम भी किसी नेता को अपने स्टूडियो नहीं बुला रहे, ये सारे मेहमान हमारे अपने अपने घरों या अपने अपने दफ्तरों से जहां से वो काम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, अपने अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही हमसे कनेक्ट है, इसलिए कई बार नेटवर्क की समस्या बीच में आ जाती है। अरविंद वाजपेयी भी हमारे साथ आ गए, राघव चड्ढा आप हमें सुन पा रहे हैं। राघव चड्ढा, जब पीएम बुलाते हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बात करने के लिए तो गैर बीजेपी वाले राज्यों के सीएम्स की बात सुनते नहीं है क्या? उनकी सलाह सुनते नहीं है क्या? उनकी जरूरत उसको सुनते नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बताऊं रोहित जी, मैं तो जब से कोरोना का प्रकोप हमारे देश पे छाया है, आपने यदि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और हम सबको देखा हो तो हम सब एक ही भाव से काम कर रहे हैं कि सब मिलकर टीम इंडिया के भाव से काम करें, हम सब एक यूनिट हैं, एक देश हैं और अपने देश को बचाने के लिए हम लोग काम करें। हमारे वैचारिक मतभेद माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी की पार्टी से सबसे हैं, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये वो समय है जब पूरे देश को, तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को, हर चुने हुए प्रतिनिधि को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इस समय पार्टीबाजी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश को बचाने की बात है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कैसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिल्ली को मिला है, उसके बावजूद उपराज्यपाल हो, दिल्ली पुलिस हो, माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी दिल्ली सरकार हो, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय सरकार हो, सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी भी, हमारी बात पर अमल किया भी, और समय समय पर जब जब कोई भी परेशानी आती है, कोई भी सवाल उत्पन्न होता है तो लगातार जब से कोरोना का प्रकोप है तब से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी आपस में संवाद करते रहते हैं, हालात का जायजा लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर काम करने का है, और यही हमारे भारत के संविधान की, जिसमें हम कहते हैं कि संघीय ढांचे का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है वो कहीं ना कहीं उभर कर आता है। चाहे देश का जंग हो किसी दुश्मन से और बॉर्डर पर हमारी फौज खड़ी हो,
या पूरी देश की आबादी मिलकर कोरोना वायरस से लड़ रही हो, ये कुछ ऐसे समय ऐसे क्षण हमारे भारत के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में होते हैं जब सभी लोगों को एकजुट होकर मिलकर लड़ना चाहिए। आज देश की जनता भी हर सरकार के साथ खड़ी है, जिसने वोट दिया हमें वो भी हमारे साथ है, जिसने वोट नहीं दिया वो भी हमारे साथ है, और सब मिलकर मुझे लगता है कोरोना से लड़ रहे हैं, और कोरोना हारेगा और टीम इंडिया अवश्य जीतेगी। रोहित जी, तो टीवी पर बहस में या चर्चा में ये एकजुटता भी तो दिखनी चाहिए ना अजय आलोक, प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक हो रही है और इस चीज को लेकर चर्चा हो गई कि 30 अप्रैल तक अब लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है, दो राज्यों ने अजय आलोक जी ऐलान कर भी दिया ऑलरेडी, ओडिशा ने कह दिया, पंजाब ने कह दिया कि लॉकडाउन तो हम बढ़ाएंगे, केंद्र सरकार की तरफ से भी संकेत मिल गए कि लॉकडाउन तो बढ़ने वाला है। ऐसे में चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि अब मुसीबतें लोगों की कम से कम कैसे हो, जो लोग परेशान हैं जिनको रोजगार की दिक्कत आ गई उनकी दिक्कतें कैसे दूर हो, जो बीमारी के आने वाले दिनों में संक्रमण के शिकार हो सकते हैं उनको बचाने की व्यवस्था कैसे हो, या आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे बैठ के कि हमने तो कहा था हमारी तो सुनी नहीं, हमने तो पैसा मांगा था हमको तो दिया नहीं। देखिए रोहित जी, अभी इस तरह की निम्न बातों का, संकीर्ण मानसिकता और नेगेटिव विचारधारा रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तमाम राज्यों की अपनी दिक्कतें हैं और उस सब दिक्कतों के साथ, अपने सीमित संसाधनों के साथ तमाम राज्य इसमें जुड़ रहे हैं और इसमें लड़ रहे हैं, और केंद्र का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। एक से एक मॉडल की हम चर्चा भी करते हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी वाले भीलवाड़ा मॉडल चर्चा कर रहे हैं, हम लोग भी बोलते हैं बिहार में इतना अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में काम हो रहा है, किस राज्य में काम नहीं हो रहा, और उसमें अभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, पैसा मांगा नहीं दिया ये किया, केंद्र से जितना हर संभव है, पैसा किसका है, देशवासियों का है, देशवासियों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा, क्या मोदी जी अपने घर ले जाएंगे, क्या कहने का मतलब है ये? इस तरह की निम्न बातों का इस बारे में, इस डिबेट में चर्चा करने से ये समय व्यर्थ होता है और एक नेगेटिविटी दिखती है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ करके आप एक ब्लेम गेम करना चाहते हैं जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं। आज समय है, आज जरूरत है कि हम लोग सबको मिलकर कोरोना से लड़े। ये 14 दिन का एक्सटेंड हुआ लॉकडाउन, वो कौन सी गलती ना दोहराई जाए जो इस 21 दिन के लॉकडाउन में हुई। जैसे बहुत अच्छी बात निकल के आई कि रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन हम लोग बनाएंगे, तो भैया इन जोनों को कैसे कैसे फॉलो करेंगे, कैसे कैसे नए हॉटस्पॉट और चिन्हित करें उन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, और कैसे किसानों को उस ग्रीन जोन में हम लोग फायदा दे सकते हैं, उनकी फसल की कटाई कर सकते हैं, कैसे बिहार में, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सजेशन दिया कि हम लोग साथ नल जल योजना शुरू करना चाहते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ प्रभाव नहीं है, ताकि जितने कामगार मजदूर लौटे हैं उनको काम भी मिल सके और उनकी एक आर्थिक इनकम भी बढ़ सके। तो इस तमाम कंस्ट्रक्टिव उपायों की चर्चा हम करें तो मुझे लगता है ये चैनल के टाइम के लिए श्रेयस्कर होगा, प्लस आपके माध्यम से जो हमें 50 करोड़ से ऊपर लोग सुन रहे हैं आज, उनमें भी एक आशा का संचार होगा, न कि तुतु ममे और आपस का प्रत्यारोपण दोषारोपण। ये हम लोग कर लेंगे 30 अप्रैल के बाद ना, समय बहुत पड़ा हुआ है, पहले 30 अप्रैल तक हरा लेते हैं कोरोना को। कृपाल तमाड़े जी, पिछले 21 दिन के लॉकडाउन में क्या क्या चैलेंजेस आए जिनके लिए महाराष्ट्र सरकार अब आने वाले लॉकडाउन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसके लिए कमर कस रही है, और खास तौर पर जिस तेजी से महाराष्ट्र में केसेस बढ़े हैं कोरोना के, उसके बाद पैनिक बटन तो महाराष्ट्र की सरकार को सबसे पहले दबाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट पाए गए, और जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं वो देख के ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है, और आदरणीय उद्धव साहब जी के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस देश में पहले बार सबसे पहले लॉकडाउन करने का निर्णय आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में इस देश में लिया गया, और हम देख रहे हैं कि उसको फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लॉकडाउन हमारा बढ़ाया, और आज वो 21 दिन तक हम लोग काम कर रहे हैं। मुसीबतें बहुत आ रही हैं, इस मुसीबतों से भी जो हमारा अगला लॉकडाउन 30 तारीख तक होने जा रहा है, हमारे आदरणीय नेताजी उद्धव साहब ने तो अभी 5 बजे के अपने प्रेस ब्रीफिंग में बता भी दिया है कि ये लॉकडाउन हमारा 30 तारीख तक बढ़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि बम्बई जो है, इस बम्बई जो आज देश की आर्थिक राजधानी है, इस आर्थिक राजधानी में उसने 1000 के ऊपर आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है, और बम्बई में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो बम्बई में हुई है, जिससे महाराष्ट्र में हमारे देश की आर्थिक राजधानी, आर्थिक कैपिटल हम जिसको कहते हैं,
बम्बई बचेंगी जो 40% रेवेन्यू हमारे देश को देता है, तो ये बम्बई को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन सभी देश को बचाना जरूरी है। इस समय में जो समस्या आ रही है उस पर रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि 30 तारीख तक जब लॉकडाउन बढ़ेंगे, अभी बहुत सारी फैमिली जैसी है, इसके बच्चे, अगर हम नागपुर में हैं तो हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार मुंबई में पढ़ा हुआ है, कोई पुणे में है, किसी के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो माता पिता कहीं और हैं, किसी के पत्नी एक जगह है, पति दूसरी जगह है, और सबसे बड़ा मुस्लिम मत में आज अगर कोई होगा तो ये किसान है। किसान के लिए इसके ऊपर में इस लॉकडाउन के बीच में, क्योंकि गेहूं का कटाई का समय हमारे यहाँ भी अभी बढ़ते जा रहा है, गेहूं कटाई शुरू हो गई है, मशीनें जो हमारे यहाँ पंजाब से आती थी वो मशीनें बीच में रुक गई है, क्योंकि जो मशीनें पंजाब से आती है उसका बहुत अच्छी मशीनें होती है कि जमीन से लेके पूरा उसको पूरा कटाई करते हुए उसका पूरा सेग्रीगेट कर देती है कि उसका गेहूं अच्छा, गेहूं अलग हो जाएगा, कचरा अलग हो जाएगा, वो नहीं आने से हमको हम मुसीबत में हमारे यहाँ के किसान, उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। खेत में 5 लोग के ऊपर नहीं रहना चाहिए हमारा नियम है, लेकिन उसके लिए भी जब एक मशीन पे 7 लोग लगते तो वो 7 लोगों के लिए हम परमिशन कैसे देंगे, इसके ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा। और जो लोग बेमतलब घूमते हैं रास्ते पे क्या हो रहा है ये देखने के लिए रास्ते पे आते हैं, उनके लिए भी हमारे को विचार करने की बहुत इस समय में जरूरत है, और लॉकडाउन बढ़ाना ही चाहिए। अभी हमने जो 21 दिन आज हमारे अमेरिका से 17 दिन हो गए, हम लोग संसद से 19 तारीख को आए थे, 22 तारीख से हमारी संसद भी बंद हो गई थी, लेकिन ये जो मरकज के कारण भी जो मुद्दा है, मरकज ने जो बढ़ाया है, जो कुछ भी हुआ होगा, आज हमने किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बढ़ाया है उन्होंने, सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जनता के नागरिकों को भी समझ से, क्योंकि आज कंपनियां बंद होने के कारण, कारखाने बंद होने के कारण हमने सभी को आह्वान किया, आदरणीय उद्धव जी ने किया, आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया कि कोई किसकी सैलरी ना काटे, लेकिन सभी कारखानदारों ने उनको 22 तारीख तक की सैलरी दिया, और आज बहुत सारे हमारे जो कामगार भाई है, जो लेबर क्लास है, कई आपने देखा आपके आपके चैनल ने हमको दिखाया कि दिल्ली में क्या हो रहा था, वो आनंद नगर में कितने लोग एक जगह जमा हुए, कोई परिस्थिति देशों में हर राज्य में थी, लेकिन हमारे नागपुर से भी कई लोग पैदल चलते चलते मध्य प्रदेश चले गए, कई छत्तीसगढ़ चले गए, कई लोग राजस्थान के लेबर थे वो भी चले गए, लेकिन आज जो लेबर इसके बाद जो उनकी परिस्थिति होगी, जो घर बैठ के तो खा नहीं सकता है। कृपाल जी, सवाल मेरा ये है सर कि पीछे तो जो हुआ वो हुआ, अब जब लॉकडाउन बढ़ेगा, अरविंद वाजपेयी, अब जब दोबारा लोगों को ये फीलिंग आने लगी है और ये संकेत सरकार ने दे दिया कि 15 दिन और बढ़ाएंगे, तो वो रेस्टलेसनेस, वो बेचैनी बढ़ेगी उन लोगों में जिन्होंने किसी तरीके से पहला लॉकडाउन काटने का इंतजार किया है, खत्म होने का इंतजार किया है, ये सोचकर कि इसके बाद तो चले जाएंगे अपने घर, अगर यहां नहीं रुक पा रहे हैं तो काम चला गया तो कम से कम घर चले जाएंगे, उनको भरोसा कैसे दिया जाए, उनको वहां पर रोका कैसे जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन के बीच में इस तरीके की कोई परिस्थिति आती है तो अरविंद केजरीवाल ने सही लिखा है कि पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरविंद जी, शायद अरविंद वाजपेयी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने आपको पहले बताया, ये परिस्थिति हो सकती है कभी कभी, वो इसलिए क्योंकि हम अब अपने मेहमानों को स्टूडियो नहीं बुला रहे, हमारे सारे मेहमान अपने अपने घर में हैं, इवन मैं खुद अपने घर में हूं, और हम इसी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए इस सब के बीच भी आप तक सही समय पर सारी खबरें पहुंचाते रहे, इसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं, सरकारों और आपके बीच में, क्योंकि सब बंद हैं अपने अपने घरों में, हम एक पुल का काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकारों की बातें आप तक और आपकी बातें सरकारों तक पहुंचती रह सके। मनोजीत मंडल हमारे साथ आ गए। मनोजीत, ममता बनर्जी ने भी कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, वो पक्ष में है इसके? बिल्कुल। इसके पहले एक खबर दे देते हैं, मनोजीत की बात सुने मनोजीत, उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे रहे हैं। 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है, तो पहले उड़ीसा, उसके बाद पंजाब, और अब महाराष्ट्र ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी तक औपचारिक ऐलान इस बात को लेकर नहीं हुआ है, केंद्र की तरफ से अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने कब आएंगे, कब वो इस बात का ऐलान करेंगे,
यह फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन संकेत जो केंद्र सरकार की तरफ से आज की बैठक के बाद आए हैं वो यही है कि लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बन गई है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद, और उसी का ये असर इस समय दिख रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी दो राज्यों के बाद आज ऐलान कर दिया है कि वो लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं 30 अप्रैल तक के लिए। उद्धव ठाकरे की सरकार ने भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। मनोजीत मंडल, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देखिए, ये ममता जी ने खुद कही है आज, और उन्होंने जो कही है ये हम मानते हैं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसी के साथ ममता जी ये भी कही है लॉकडाउन होगा तो कोई ह्यूमन अप्रोच भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी उन्होंने कही है, बिल्कुल साफ कर दी है कि आज रातों से शायद और कुछ जगह में कलकत्ता के आसपास में जो कुछ हॉटस्पॉट पाया गया है वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन होगा, प्रशासन पूरा मदद करेगा, लेकिन लॉकडाउन के सिवा कुछ रास्ता नहीं है। रोहित जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं गांव से हूँ, मेरा गांव अभी पूरा लॉकडाउन है, और गांव के लोग भी यही चाहते हैं, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन हर रोज नहीं जाते हैं, गाँव के अंदर भी कुछ गाँव आप टीवी में भी देखे है, गाँव के अंदर में भी ऐसा चल रहा है कि गाँव के अंदर कोई बाहर नहीं आ रहा है, कोई बाहर से अंदर नहीं जा रहे है। इसका मतलब है जहां से लोगों के सबसे दिक्कत हो सकती है वहीं के लोग चाह रहे कि ये लॉकडाउन बरकरार रहे, क्योंकि जान है तो जहान है आप सब मानते हैं, ये जो मरने का जो एकदम किलर डिजीज है ये इमिनेंट है, लेकिन स्टार्वेशन के अंदर हम बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा दिखा जाएगा, लेकिन दादा अभी जो है ये किलर इंस्टिंक्ट है, ये अगर गांव में घुस गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, एक बात तो बताइए, ममता बनर्जी सड़कों पे जाकर दुकानों के आगे घेरा बना रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लोग सामान खरीदने भी जाओ तो एक दूसरे से एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो मीटर की दूरी पे खड़े हो, कल मुर्शिदाबाद में क्या हुआ पूरे देश ने देखा, इसको कौन रोकेगा, इसको भी तो रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। देखिए, ये यही इसी के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ रहा है, ये लोगों को समझना पड़ेगा, इस सरकार का सेवा के लिए कम नहीं है रोहित जी, आप लोगों को भी पता है आप क्यों घर में हो, आप तो दफ्तर में आ सकते थे ना, ये हम लोगों का काम है, ये अगर इंडिया फिर भी मैंने बताओ तो 99% लोग ये मान रहे हैं, सिर्फ 1% लोग नहीं मान रहे, वो कभी हो डीएचएपीएल वाले लोग हो, कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डर हो या कोई गांव का लोग हो, लेकिन सबको मानना पड़ेगा, इसलिए अवेयरनेस जो जनरेट किया गया है सब आप सभी ने किया हो, लेकिन ये सरकार का कोई एक सरकार का काम नहीं है, हम लोगों को मानना पड़ेगा। हम आज अगर हम घर में कैमरामैन को नहीं बुला रहे क्योंकि हमको पता है इसी तरह गांव का, लेकिन हर गांव में ये नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ जहां मैं रहता हूँ वहां पे लोगों ने खुद ने कर रहे हैं, किसी को बाहर से नहीं आने दे रहा है, किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन गांव आप देखिए रोहित जी, आप राघव चड्ढा ले लीजिए और डाटा ले लीजिए, राघव चड्ढा नहीं घुसा है, मैं आपको नहीं सर, आप कह रहे हैं डिजीज गांव में नहीं घुसा, अभय दुबे को तो लगता है गांव में जांच नहीं हो रही, जांच होगी तो वहां पता नहीं कितने निकल आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि जांच का डेटा बढ़ाइए उसके बाद देखिए, आप टेस्टिंग बढ़ाइए उसके बाद देखिए क्या स्थिति होती है, तो ये कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट है जी, बोलिए जी। इसका मतलब ये भी हो सकता है पिछले एक महीने अगर गांव में रोग घुसा नहीं या टेस्टिंग नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है उन लोगों का, ठीक है, लोगों ने बहुत वैक्सीन लेते हैं, आपकी आवाज बढ़ सकते हैं, आपकी आवाज कट रही है उसको दुरुस्त करते हैं। राघव चड्ढा आप खुद जानते हैं इस बात को कि दिल्ली ने लगातार ये बात मानी, बोली, कही, बार बार दोहराई कि तबलीगी जमात का मामला हुआ इसकी वजह से दिल्ली में आंकड़े बढ़ गए। महाराष्ट्र से कृपाल तुमाने ने ना चाहते हुए भी अभी उस बात का जिक्र किया, तमिलनाडु की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर रोज उस बात का जिक्र आता है, उसके बाद भी कल जैसा मुर्शिदाबाद में हुआ अगर वैसी तस्वीरें आएंगी तो राज्य सरकारों से यह उम्मीद की जाएगी कि वो सख्ती करें और वो सख्ती दिखाई दे ताकि और राज्यों में संदेश जाए सीधे सीधे, ऐसे समय में अपीजमेंट से काम चलेगा क्या? नहीं देखिए, अपीजमेंट और ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता इन जैसे शब्दों की मुझे लगता है कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी महामारी की बहस में कतई भी कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो आपके चैनल पे लगातार कहता आया हूँ कि जब 4 मार्च को मक्का मदीना बंद हो सकता है, काबा बंद हो सकता है, तो क्यों इस प्रकार का तबलीगी जमात का मरकज चल रहा था, क्यों आज हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां
मदरसा अभी भी खुला हुआ है, वहाँ पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम चल रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाती हैं। और हर राज्य की सरकार को जाहिर सी बात है उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। हमने तो दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं आती है, लगातार दिल्ली पुलिस के पीछे पड़कर तबलीगी जमात वाले मसले में FIR तक दर्ज कराई और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है, क्योंकि ये केवल उस जमात के मरकज में रह रहे लोगों की बात नहीं थी, सबकी बात थी। पर मैं, क्योंकि आपका चैनल सब लोग देखते हैं रोहित जी, बताना चाहूंगा कि दिल्ली में तीन प्रकार के केसेस अभी तक आए हैं। पहला केस उस प्रकार के केसेस हैं, पहली कैटेगरी, जो अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल से आए हैं, यानी कि ऐसे देश से लोग आए जहां पर कोरोना वायरस फैला हुआ है। दूसरे प्रकार के केसेस हैं जो मरकज से संबंधित है, या तो वो मरकज में थे या मरकज में जो व्यक्ति था उसके संपर्क में आए। और तीसरे जो सबसे चिंताजनक है, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल और मरकज तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो तीसरे प्रकार के केसेस हैं वो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के केसेस। वो केसेस अभी बहुत कम संख्या में दिल्ली में आ रहे हैं, ये एक राहत की बात है, लेकिन अगर वो संख्या ऊपर जाती है तो चिंता की बात बढ़ जाएगी। अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल और मरकज पे तो सरकार ने पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ने लगा तो दिल्ली के लिए और दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए हालात गंभीर होते जाएंगे। दूसरी चीज, आने वाले 14 दिन के लॉकडाउन में सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज जो हर सरकार को करनी चाहिए वो ये है कि बीते 3 हफ्ते के लॉकडाउन में बहुत सारी गलतियां तमाम सरकारों से हुई, कई सीख हम सब ने सीखी है, कई प्रकार की परेशानियां जनता ने झेली है। अब हर सरकार का प्रयास ये रहे कि वो सारी सीखों से एक सीख लेकर हम वो गलतियों को फिर ना दोहराएं। और मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन केवल एक ही स्थिति में सफल हो सकता है, जैसे ऑड एंड इवन हम वायु प्रदूषण के समय लागू करते थे, एक ही स्थिति में सफल हो सकता है, और वो स्थिति है कि जब जनता अपने आप अपना कर्तव्य और अपना दायित्व समझकर उस लॉकडाउन का पालन करें। यदि लोग लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार या किसी भी राज्य की पुलिस उस लॉकडाउन को इन्फोर्स कर पाएगी। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, आज लोगों के अंदर दो प्रकार की मानसिकता देखी जा रही है रोहित जी। एक मानसिकता है घबराहट की, आतंक की, कि न जाने कोरोना हमें हो जाएगा, और दूसरी मानसिकता है नकारात्मक रवैये की, डिनाइल की, कि नहीं 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 कोरोना हमें तो हो ही नहीं सकता, भले पूरी दुनिया को हो जाए। मुझे लगता है इन दोनों भावनाओं के बीच में एक भावना है तैयारी की, तत्परता की। उस भावना की आवश्यकता है, हम सबको उस तैयारी और उस तत्परता के स्टेज पर होना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझे लगता है उसी दिशा में देश को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरविंद वाजपेयी, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो पिछले लॉकडाउन से आगे लॉकडाउन के एक्सटेंशन में क्या सीख लेने की जरूरत है सरकार को, किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें सरकारें जो दो सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। राज्य सरकारों की जिम्मेवारी जितनी है उतनी ही केंद्र सरकार की है। तो पीछे जो लॉकडाउन हुआ उसमें जैसे भगदड़ मची इसलिए मची कि लोगों के अंदर एक फोबिया सा आ गया कि भाई ये तो लॉकडाउन हो गया, हमारा रोजगार छिन गया, 3 महीने की सरकार ने घोषणा की है, पता नहीं कब तक क्या होगा। तो अब तो इस तरह की बात है नहीं, जिन्होंने जाना था वो चले गए, जिन्होंने जहां माइग्रेट होना था वो भी हो गए, बिहार में जैसे जो लोग बाहर रुके हुए वो बाहर रुके हुए। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि कम्युनिटी वाला फैलना स्प्रेड नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जैसे हॉटस्पॉट इन्होंने बनाए हैं, तो हॉटस्पॉट में जो पढ़ी लिखी जनता है वो तो पूरी तरीके से इसको लागू कर रही है, लेकिन समस्या वहां आ रही है जहां पे इलाके बड़े कंजेस्टेड है, झोपड़पट्टी का इलाका है या गरीब गुरबा का इलाका है, उसमें ये चीजें पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, एक बात समझिए, इस वक्त सामंजस्य बैठा हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, प्रधानमंत्री जी सबकी राय लेके काम कर रहे हैं, और उन्होंने कह दिया आज कि 24/7 किसी को मुझसे बात करनी हो, किसी भी चीफ मिनिस्टर को बात करनी हो, कोई सलाह देनी हो, कोई बात लेनी हो, मुझसे करिए। देखिए, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है, और जनता के सहयोग के लिए मीडिया का सहयोग बहुत जरूरी है। मीडिया
मीडिया प्रचार प्रसार जितना कर रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन अगर जागरूकता निचले तबके में अगर वो चली जाए या मुस्लिम समाज में चली जाए, देखिए मेरे को ये इसको इस तरीके से मत लीजिए, देखिए जहां पर थोड़ी सी अज्ञानता है, जहां पर पथराव करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं, जहां पे इस चीज को आइसोलेशन में नहीं जाना चाहते हैं, जहां पे ये ओवर कॉन्फिडेंट बना हुआ है कि मुझे तो हो ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह ताला देखेंगे, तो उनको चीजों को समझाने की जरूरत है और उसके लिए धार्मिक गुरुओं को भी आगे आना पड़ेगा, पूरी जमात को समझाना पड़ेगा, पूरे समाज को समझाना पड़ेगा और सरकारों की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकारों को जैसे ही ये सवाल उठा, जैसे ही ये सवाल उठा, मैं अजय आलोक को चर्चा में ला रहा हूं। अजय आलोक हमारे साथ, हमारे यहां दिक्कत ये है ना कि आप जैसे ही कुछ इस तरीके की चीज पे सवाल उठाइए और बताइए कि नहीं आपकी बेहतरी के लिए कहा जा रहा है, तो सवाल हो जाता है कि नहीं साहब आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपने तो बीमारी को भी कैटेगरी में बांट दिया, आपने तो बीमारी के ऊपर भी धर्म का चश्मा लगा दिया, तो क्या कीजिएगा फिर, कैसे समझाइएगा लोगों को जो बातें अरविंद वाजपेयी कह रहे हैं? बोले फिर अभय दुबे से लास्ट कमेंट लेंगे जल्दी से। अजय आलोक, रोहित जी मेरा साफ मानना है कि drastic situations requires drastic measures. असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लेने होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था तो उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इसको कर्फ्यू की तरह ही समझा जाए, लोगों ने नहीं माना, कर्फ्यू की भी और लॉकडाउन की भी खुलेआम धज्जियां उड़ी, 5-5 लाख लोग हर जगह से माइग्रेट करते हुए देखे, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं, धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। आज समय है कि अगर हम लॉकडाउन एक्सटेंड करने जा रहे हैं तो जो जो सीट ऑफ पावर पे बैठे हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र प्रधानमंत्री, एक दृढ़ फर्म निश्चय को लेके, क्योंकि 1-2% की बातों को सुनके आप 98% को आज खतरे में नहीं डाल सकते हैं और लॉकडाउन भी अनिश्चितकालीन के लिए आप नहीं कर सकते हैं, ये भारत की यथास्थिति है। तो इस 14 दिन को बिल्कुल कर्फ्यू की तरह ट्रीट करना ही पड़ेगा, सरकारों को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये कर्फ्यू जैसा ही हो, और जिसको ग्रीन बेल्ट आप लगाया है, जिसको आप येलो बेल्ट बनाया है, उस पर आप रिलैक्सेशन दें, लेकिन जहां आपने रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मिलिट्री कर्फ्यू एरिया, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को जो बोलना है बोलने दीजिए, प्रधानमंत्री जी को 130 करोड़ देशवासियों की चिंता करनी है और हर राज्य के मुख्यमंत्री को अपने अपने राज्य की जनता की चिंता करनी है, ठीक है, सख्तों के निर्णय लेने का समय है ये। अभय दुबे, आपके राज्यों वाली सरकारों से आपको क्या लगता है केंद्र की या और राज्यों की सरकार क्या सीख ले सकती है, क्या आपने ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है जिससे आपको लगता है कि आप ही के मॉडल पर बाकियों को आगे चलना चाहिए? भीलवाड़ा को वैसे भी सारे देश में चर्चा इस वक्त मिल रही है। शासित राज्यों का वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, अभी जो भरोसा टूट रहा है जनता का उसको नहीं टूटने देने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया, जैसे हर मिनिस्ट्री में आप देख लें, हर स्टेट की मिनिस्ट्री में 100 से 150 एनजीओ, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो चाहे हेल्थ हो, उनको एक्टिवेट किया और जो जनप्रतिनिधि है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। दूसरा, हमने हर जिले में एक सेंटर स्थापित किया है जो अप्रवासी मजदूर और छात्र हैं, उनको भरोसा कायम करने की एक काम हमने किया, जो जाना चाहते हैं बहुत आवश्यक है, उनको भेजने की जवाबदेही हम तय कर रहे हैं, और जिनको भरोसा देकर रोक सकते हैं संसाधनों के साथ उनको रोका जा रहा है, इसके कारण सूरत जैसे या मुर्शिदाबाद जैसे हालात उत्पन्न नहीं होने देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और मुझको लगता है प्रधानमंत्री जी भी एक व्यापक संदेश मुख्यमंत्रियों को देंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे सारे हिंदुस्तान के जिलों में सेंटर स्थापित करें ताकि एक मिलकर लड़ाई लड़ पाए, और टेस्टिंग पर फोकस हमने सबसे ज्यादा किया है, हम बहुत रैपिड मैपिंग कर रहे हैं उन एरियाज की जो हॉटस्पॉट है या जो फ्यूचर में गांव में ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको मैप करके वहां पर हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जितना चिन्हित कर पाएंगे उतना उनको। शुक्रिया शुक्रिया अभय दुबे, हम उम्मीद करते हैं कि टीवी डिबेट से जो आइडियाज आते हैं या जो विचार आते हैं वही मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक में गए होंगे तो लेकर गए होंगे, और यहां से भी सरकार को कुछ नई बातें सुनने को, समझने को, सोचने को मिलेंगी, तभी देश कोरोना जैसी महामारी के समय, जिसको ये कहा जा रहा है कि असाधारण परिस्थिति है, उससे निकलने में कामयाब हो पाएगा। और एक बात जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, एक बार वो फिर दोहराना चाहते हैं आज, कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घर पर रहिए, जब तक दुनिया में वैक्सीन नहीं आ जाती, दुनिया का हर देश इस बात को स्वीकार कर रहा है कि लॉकडाउन करके अपने आप को अलग करके ही समाज से इस बीमारी की चेन को तोड़ा जा सकता है, इससे बचा जा सकता है।